प्लीज आप एक इस बात पर यकीन कीजिए और थोड़ा ढंग से, इस बात को कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ये बिल्कुल ही अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। और जो आरपीसी एक संवैधानिक बॉडी है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश में काम करता है, और आज के दिन राजस्थान के समस्त कर्मचारी चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे मास्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरे के पूरे चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं। अब सरकार का निजी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि सरकार की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा, जहां तक नहीं मुझे 100% कंफर्म है, ये मैं कहीं किसी सूत्र से, हवाले से या किसी से ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे खुद के अनुभव से, जितना मुझे कोर्ट और लॉ का नॉलेज है, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमको किसी भी प्रकार के उतावड़पन की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास में 2 तारीख की शाम तक का वक्त है, उस वक्त तक भी कोर्ट का एक स्टे, कोर्ट का एक ऑर्डर पूरा मामला साफ कर देगा। लेकिन हमको वहां तक, मैं गारंटेड, जहां तक मेरे को लगता है 99% कहता हूं कि आरपीसी ऐसी नौबत नहीं आने देगी, और कल शाम तक या परसों शाम तक आरपीसी इस एग्जाम को पोस्टपोन करेगी। आप खुद देख लेना, अपने को कोई हड़बड़ाहट नहीं किसी भी प्रकार का, अपने को तो तैयार रहना है, अपने को उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई भी, किसी का कोई फंड नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये ऐसे काम है, फंड लेते हैं, आरोप लगते हैं, ये होता है, वो होता है, फिर वापस जाना करना, क्योंकि अपडेट नहीं लगाएंगे तो वापस देना पड़ेगा। इससे पहले अपने को पहले डॉक्यूमेंटली वगैरह इस तरीके से प्रिपेयर रहना है एज ए मेच्योर आदमी। मैंने आरएएस के 2012, 2013, 2016, 18 सारे के केस मैंने खुद लड़े हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, परसों शाम तक अपन वेट करेंगे, आरपीसी अगर प्रेस नोट जारी नहीं करती है पोस्टपोन का, तो मैं कहता हूँ 99% कर देगी, अगर नहीं करती है तो फिर अपन उसके अगले दिन परसों 29 तारीख को अपन फाइल पेश कर देंगे, 30 को अपनी हियरिंग हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा। ये आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह, किसी भी प्रकार के दूसरे लोगों के चक्कर में मत फंसी, कोई हजारों लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से अफवाहें फैलाएंगे, बहुत से रूमर्स होंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मुझे किसी भी प्रकार की कोई, ये नहीं करना है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, अपन परसों शाम तक वेट करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आरपीसी ऑटोमेटिक खुद के रूप तरीके से एग्जाम पोस्टपोन कर देगी, फिर भी अगर नहीं करती है तब अपन एक्शन लेंगे, और उस एक्शन के लिए अपने को तैयार रहना है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बस। थैंक यू।